शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इन पुलिस वालों के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, हम कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आता ये सिर्फ कोशिश क्यों करते, काम क्यों नहीं करते। समझ में नहीं आता विकास को कहां ढूंढूं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। विकास हमारे कब्जे में है। क्यों, क्या चाहते हो तुम? ज्यादा स्मार्ट मत बन, तू अच्छी तरह जानता है मैं क्या चाहता हूँ। क्या? क्रिप्टन, जो तुम लोगों ने छुपा रखा है। मैं क्रिप्टन के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते? नहीं। परसों रोड पे जब पुलिस तलाशी ले रही थी तब मैंने क्रिप्टन को जीप में छुपाया था, और जब मैंने विकास के घर की तलाशी ली तो मुझे खाली बैग मिला। मैं जानता हूं कि क्रिप्टन इतनी कीमती चीज है कि किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि अगर हमें क्रिप्टन नहीं मिला तो तुम विकास और आयशा की लाश भी नहीं देख पाओगे। मैं उनकी लाश भी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं उन्हें जिंदा ले आऊंगा। कमीने! रामजादे, विकास कहां? कर्नल चिकारा की कैद में। कर्नल चिकारा? हाँ। तुम्हें उसके घर में खाली बैग मिला? हाँ। ठीक है, मैं किसी भी तरह तुम्हें क्रिप्टन पहुंचा दूंगा, मगर उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? ठीक है, कल शाम को क्रिप्टन लेके तुम मुझे 5 बजे पूना के 10 किलोमीटर वाले माइलस्टोन पे मिलना। लेकिन सुनो, शहर में पुलिस का बहुत बंदोबस्त है, अगर क्रिप्टन पुलिस उसकी पिकर तो मत करना। तुम्हें क्रिप्टन मिल जाएगा मगर उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? समझे? मुझे नहीं लगता क्रिप्टन इतनी आसानी से मिलने वाला है। अगर बैग यहाँ है तो क्रिप्टन भी यहीं कहीं होगा, ढूंढो प्लीज। एक कील कभी इस घर से मैंने बाहर नहीं फेंका।
लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक दिन यही कबाड़ मेरे बेटे की जान का दुश्मन बन जाएगा। कल उन्हें क्रिप्टन पहुंचाना है। अरे एक साल गुजर जाएगा यहां ढूंढते। तुम ठीक कहती हो शांति, ये घर किसी फुटपाथ से कम नहीं है। अंकल आप परेशान मत होइए, आंटी जी हम क्रिप्टन ढूंढ के ही रहेंगे। क्या बताऊं बेटे, जब से विकास गया है मेरी जिंदगी में तो अंधेरा हो गया है। अंधेरा? अंकल वो मुरारी घर के सारे लाइट्स बंद कर दो। जी मालिक, कर रहा हूँ। सारे लाइट्स जल्दी। लाइट ऑफ करने से क्या फायदा बेटे, अंधेरा करने से क्या होगा? अंकल क्रिप्टन तो मिल गया, मगर अब भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? पुलिस को भी क्रिप्टन की तलाश है। उन्होंने सारे शहर में नाकाबंदी कर रखी है। उनसे बचाकर इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, पुलिस तो क्या, पुलिस के कुत्ते भी नहीं सूंघ पाएंगे। आप लोग जा सकते हैं, इन्हें जाने दो। रोको गाड़ी रोको। गाड़ी में क्या है? मुर्गियां हैं, आजकल भौंकती हैं। मजाक उड़ाता है? अरे भाई साहब, ये खुद ही भौंक भौंक के अपनी जात बता रहे हैं और आप की फिर भी पूछ रहे हैं। भैया मैं अभी आपकी तरह जनता की और देश की सेवा कर रहा हूँ। इसमें शहर की कुछ आवार और पागल कुत्ते हैं, उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। बाय बाय बाय। गेट खोलो। लेकिन ये दोनों कौन है? ये इनके कुत्ते को लवेरिया हो गया है। मलेरिया? मलेरिया नहीं, लवेरिया। जाए। ठीक है जाने दो इन्हें। बच गए। अंकल पुलिस से तो बच गए, मगर क्रिप्टन कहाँ? अरे बेटा चिराग तले अंधेरा। ये लो। अंकल एक मिनट गाड़ी रोके। अंकल हम वो मोटरसाइकिल लेकर निकलते, आप विद्रोही जी को लेकर वहां पहुंचे। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। अंकल आप कमाल है। अच्छा ठीक है उतरो। अरे मौसम भी कमाल है। हाँ क्रिप्टन मिल गया। चलो गाड़ी में बैठ। आज के मुख्य समाचारों में, रिसर्च सेंटर से चुराए हुए क्रिप्टन का कुछ पता नहीं। नेता राम गोपाल वर्मा कल अलोका भवन में हो रही मीटिंग को स्थगित करने को तैयार नहीं, हमारे संवाददाताओं से उन्होंने कहा। हम मानते हैं कि हमारी जान को खतरा है, मगर हम अलोका भवन की सभा को बर्खास्त नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आतंकवादियों को बल मिलेगा। मैं इस देश के उन गद्दारों को बता देना चाहता हूं कि भारत के सपूत मौत से नहीं डरते। तुम एक राम गोपाल को मारोगे तो भारत मां यहां की मिट्टी के कण कण से लाखों पैदा करेगी।
मैं इस देश की सभी पार्टियों की नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वो सभा में पहुंचकर इन समस्याओं का हल निकालने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नेताजी, आपने अपने मरने की जगह अच्छी चुनी है। अलोका भवन। कर्नल साहब, यह सुनील, विकास का दोस्त। क्रिप्टन कहाँ है? विकास कहाँ है? चिकारा से सवाल मत करो, क्रिप्टन कहाँ है? मिल गया। यस सर। इसे जल्दी बॉम्ब में फिट करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जाओ। हम दोनों तो फंस ही गए थे, मगर तुम दोनों को जानबूझकर मौत के मुंह में आने की क्या जरूरत थी? क्यों, इसी को दोस्ती कहते हैं? विकास, जिएंगे तो साथ, मारेंगे तो साथ। हमें अपनी जान से ज्यादा इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि कर्नल चिकारा हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, खोखला कर रहा है इसे। और तो और, वो नेताजी राम गोपाल वर्मा को भी मारना चाहता है। अगर उसने बॉम्ब बना लिया तो हमारे देश के लिए बहुत बुरा होगा। दो बॉम्ब तो उसने बना लिए, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, और उसके इस पाप के काम में कहीं ना कहीं मैं शामिल हूं। भले तुम दोनों को बचाने के लिए ही, मगर क्रिप्टन तो मैं ही ले आया ना। मगर सुनील, और हम कर भी क्या सकते थे? लगता है अब इस देश में वही होगा जो कर्नल चिकारा जाएगा।